बहुत ही अच्छे खेला चुतिया लोग ने यार, कसम से यार दिल जीत लिया हमारी, गार फट लिया। तुम लोग ये पूछते रहते हो कि बेस्ट एडिटिंग ऐप कौन सा है फॉर एंड्रॉइड और iOS। अगर तुम लोग जानना चाहते हो बेस्ट एडिटिंग ऐप के बारे में तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा फिल्मोरा, जहां पे आप अपने YouTube एंड Instagram के वीडियोस को इजीली एडिट कर सकते हो। फिल्मोरा का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते बराबर आप यहां पे फिल्मोरा का यूजर इंटरफेस देख सकते हो, जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है। अब आपको इस ऐप में बहुत सारे इफेक्ट्स, टेक्स्ट, टेम्पलेट एंड PIP देखने को मिल जाएंगे। आप यूज करके अपने वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएंगी जिसका आपको जरूरत है वीडियोस एडिट करने के लिए। सो वेट किसका कर रहे हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड कर लो। ऐप पसंद आए तो अच्छा रिव्यू भी दे देना गूगल प्ले स्टोर पे। एंड मोर ओवर फिल्मोरा पे एक गिव अवे भी चल रहा है iPhone 12 का। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कर लो। FFCS फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज, जिसका फाइनल काउंटडाउन खत्म होने के लिए शायद कुछ घंटे बाकी रहेंगे। एंड आप सभी ने किस टीम को वोट किया ये कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड देखो, ये वीडियो में हम FFCS से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं एंड कुछ पास्ट के घटे सिनेरियोस को कवर करने वाले हैं। एंड FFCS में हमारी इंडिया की टीम ने भी क्वालिफाई किया है, जो की है टोटल गेमिंग की टीम। सो बेस्ट ऑफ लक टू टोटल गेमिंग e-sports। तो चलो अभी ये सब चीजों को साइड में रखते हैं एंड कुछ पास्ट सिनेरियोस पे बात करते हैं। अब तुम लोग को पता ही होगा कि फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज के पहले हुआ था फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज, एंड उसके पहले हुआ था फ्री फायर एशिया इनविटेशनल। एंड वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के दो टीमों ने क्वालिफाई किया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम फ्री फायर ई स्पोर्ट्स कदम ही रखा था इंडिया में। एंड दो टीमों ने क्वालिफाई भी कर लिया था। फर्स्ट टीम थी TSG आर्मी एंड सेकंड टीम थी GJ किंग्स। एंड क्वालिफाई करने के बाद वो लोग गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने इंडोनेशिया में। एंड वहां जाके वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बिकॉज उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद हुआ क्या, जब दोनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, सभी क्रिएटर्स ने सपोर्ट किया था वो दोनों टीमों को। बट जब वो दोनों टीम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हार के आई और अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, उसके बाद फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ 14 क्रिएटर्स ने अपना ज्ञान चोदना स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, अगर ये टीम ऐसा करती तो ऐसा करके जीत जाती, अगर मेरा एज रहता ना तो मैं फाड़ के आ जाता, अगर मैं PC टट्टा नहीं रहता तो मैं ही खेलने चले जाता। और एक तो बोल रहा था कि 150 करोड़ लोग इस देश में है तो आग होनी चाहिए जीतने के लिए। बेटी, अगर तू उधर होता ना तो तेरी गांड से आग निकलता। उतने बड़े स्टेडियम पे ये लोग ग्लोबल लेवल पे चैंपियनशिप खेलने गए थे, तो क्या देखो ये इजी काम लग रहा था। एंड तुम लोग ये डेफिनेटली सोच रहे होगे कि हम ये पास्ट के सिनेरियोस को क्यों निकाल रहे हैं, क्या बला आ गई कि हम ये पास्ट की बातों को खोद रहे हैं। तो वो तुम लोग को वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो आज से लगभग एक साल पहले कुछ ये हुआ था, इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ जाने माने क्रिएटर्स ने ये बोला था, कितना अच्छा वीडियो डालते देखते नहीं हुआ, हम चूतिए हैं, हम चूतिए हैं, हमको खेलना नहीं आता। खेलने गए क्या, मूतने गए वहां पे। सबसे पहले बकचोदी जिंदगी में दो बंदों के हेल्प करके गलती किया, एक वो चूतिया और दूसरा से इसका नुन्नू इतना छोटा, इतना अकल कैसे लगा सकता है ये बंदा। उस वक्त ये भाई के शायद थे कुछ 1 million+ सब्सक्राइबर्स, और 1 million+ सब्सक्राइबर्स पे इसकी मेजोरिटी घास चरने गई। ये भाई का एक फन फैक्ट है, इसका जिससे भी झगड़ा होता है उसके 10-15 दिन बाद ये उसका फ्रेंड बन जाता है। तुम सुदीप सरकार को ले लो, तुम टू साइड गेमर्स को ले लो, तुम अज्जू भाई को ले लो, तुम बिलास गेमिंग को ले लो, इसका इन लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ है और इन लोगों के साथ बाद में फ्रेंडशिप भी हुई। पहले कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का, देन हाइप क्रिएट करने का, देन उसके बाद में मिलन कर लेने का। देखो, जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स रहते हैं ना, वो ऐसी चूतिया बातें नहीं करता है। अगर कोई टीम जा रही है इंडिया से खेलने के लिए ऐसे वर्ल्ड लेवल के चैंपियनशिप में, तो तुम्हें उल्टा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि नीचा दिखाना चाहिए। हार के आने के बाद उन लोगों को तुम नुबड़ा बोलोगे, उन लोगों को क्रिटिसाइज करोगे तो कैसे चलेगा। वो लोग एटलीस्ट गए तो इतने ग्लोबल लेवल के चैंपियनशिप खेलने के लिए, और तू तो चाके भी नहीं जा पाता क्योंकि तू है PC टट्टा। तूने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो लोग हार के आए, उन लोगों को कितना डीमोटिवेट फील होगा अगर कोई बंदा ऐसा बोलेगा। तो अगर वो लोगों की जगह पे तू भी रहता ना, तो तुझे भी बहुत बुरा फील होता। मैंने ये कम्युनिटी में पहली बार देखा था कि अगर कोई बंदा हार के आता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं बोलते, उल्टा उसको बुरा भला बोलते हैं। चलो चलो, ये तो रही इसकी बातें। अब एक और ऐसा क्रिएटर था जिसने बहुत बुरा भला बोला था। अब तुम यहाँ पे देखो, चूतिया है साले सब नूब, why India lost Asia invention? वाह वाह, Asia invention, जो invitational को invention बोल सकता है, तो उसकी राय भी कैसी हो सकती है, तुम्हें इसी से पता चल गया होगा। अब ये भाई ने कुछ ऐसा बोला था कि तुम लोगों ने 150 करोड़ लोगों का भरोसा तोड़ा। अबे पूरे 150 करोड़ लोग क्या गेम खेलते हैं? तो चल, इंडिया की टीम अगर क्रिकेट में हार जाती है तो कोई क्या ऐसा बोलता है कि इन लोगों ने 150 करोड़ लोगों का भरोसा तोड़ा?
और रही बात उन लोगों की, उन लोगों ने अपना 100% दिया था बट इन दी एंड वो लोग हार गए। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये सब तो पहले की बातें हैं, हम ये बातों को क्यों फिर से उठा रहे हैं। तो देखो अभी फिर से होने वाला है वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप और वहां पे जा रही है हमारी टीजी की टीम। तो इस बार कोई ऐसा मत बोलना कि तुम लोग नुबड़े हो, तुम लोग की जगह अगर मैं रहता तो मैं ऐसा खेलता, ऐसा मारता, ऐसा जीतता, क्योंकि वो लोगों का स्ट्रगल हम सबने देखा है, वो लोगों का डेडिकेशन स्किल्स हम सबने देखा है। इतना हार्डवर्क, इतना एफर्ट्स डालने के बाद वो लोग कोई एक सर्टेन जगह पे चूक जाते हैं और उसी चीज को एक पॉइंट में लेके अगर तुम लोग उनकी मारोगे तो ये सही नहीं होगा। अब पूरे एशिया से टॉप टीम्स आने वाली है तो नस काट नहीं गला काट कंपटीशन होगा। अब देखो हारे या जीते ये तो गेम का पार्ट है बट उनका कोई पॉइंट निकाल के उन्हें क्रिटिसाइज करना, उनकी मारना, ये गेम का पार्ट नहीं है। तो जो पिछले के पिछले बार हुआ था वो इस बार ना हो यही हम चाहेंगे। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, होप सो तुम लोग अपना 100% दोगे। सो बस गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, आई होप तुम लोगों को सब समझ गया होगा। और इंस्टाग्राम पे अभी तक तुमने जाके फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो बस गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। सो दिस वाज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।